वो बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रांसवर्स मर्केटर की, कोऑर्डिनेट सिस्टम प्रोजेक्शन भी है ये। तो UTM बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यदि आप रिमोट सेंसिंग, GIS, कार्टोग्राफी या इनसे रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उनसे रिलेटेड है या संबंध रखते हैं तो आपको UTM जाना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन अगर आप इन सब फील्ड से रिलेटेड नहीं भी हैं तो भी आप देखिए GPS सब यूज़ कर रहे हैं आजकल, पोजीशन सबको पता करनी है, सारे पोजीशन जो है वो UTM प्रोजेक्शन में ही है, या फिर आपके जो एलिप्सॉइड है उसका डेटम जो है WGS84 है। WGS84 और UTM को जाना बहुत जरूरी है। आज मैं आपको UTM से रूबरू करवाऊंगा। UTM क्या है, आपका एक ग्लोब मानिए। UTM एक तरीके से 60 स्ट्रिप्स हैं, ये पूरे ऊपर से नीचे तक ऐसे 60 स्ट्रिप्स बनाए हैं। आप मान लीजिए एक तरबूज ले लीजिए, उसको स्ट्रिप बाय स्ट्रिप काट लीजिए, जैसे वो ठेलियों पे जो मिलता है उस तरीके से जो कटिंग होती है वो कटिंग आप मान लीजिए, और वो जो कटिंग है एक यहाँ से यहाँ तक पूरे ऊपर से नीचे तक, ये पूरी एक स्ट्रिप है, एक कैरी कहते हैं इसे, और इस स्ट्रिप को ये 60, ये कुल मिला के 6 डिग्री डिफरेंस है इसका, मतलब यहाँ से 6-6 डिग्री है, 6 डिग्री 6 डिग्री 6 डिग्री ऐसे करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से 6-6 करके पहुँचते हैं और पूरा 360 पहुँच जाते हैं यहाँ पे। तो इसमें अब हर एक जोन की, इसको हम जोन कहते हैं, जो 60 है ये कुल मिला के 60 जोन है और 6 डिग्री इनकी वो है, एक तरीके से लॉन्गिट्यूड कह सकते हैं। और यहाँ पर हर एक जोन का एक सेंट्रल मेरिडियन होता है। इस जोन में, इस पर्टिकुलर जोन में जहाँ पर ये इक्वेटर और सेंट्रल मेरिडियन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, वही पोजीशन इस जोन का ओरिजिन होता है, इससे ना पा जाएगा। तो एक्स जो पोजीशन है वो यहाँ पर जो दी गई है वो ये 5×10^5 दी गई है, ताकि जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको हटाया जा सके। अभी इसके रिलेवेंस भी मैं आपको बताऊँगा। नदन हेमिस्फीयर के लिए कोई दिक्कत नहीं, वाई जीरो है, एक्स तो दोनों के लिए यही है, और वाई जो है वो अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वाई जब नीचे आएंगे तो अगेन 10^10^6 या 10^10 आप ये 7 मान सकते हैं, ये सदर्न हेमिस्फीयर में। ये भी इसका भी बिल्कुल वही गोल है कि यू डोंट वॉन्ट नेगेटिव नंबर्स। तो UTM एक कन्फर्मर प्रोजेक्शन है जो 2 डायमेंशन कार्टिशियन कोऑर्डिनेशन सिस्टम यूज करता है, ताकि आप लोकेशन पता कर सकें अपने सरफेस ऑफ अर्थ में। ये 2D देखिए मैप है आपका UTM का, और ये UTM ग्रिड्स हैं अलग अलग, दीज आर द UTM ग्रिड्स। ये एक ग्रिड नहीं है कोई भी, दीज आर नॉट ग्रिड्स। क्या ये जो लंबी लंबी आ रही है ना, यही जो मैं बताया था तरबूज वाली बात, वो ये लंबी लंबी जो आ रही है ना वही है, इससे कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। जब मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा था पहली बार UTM तो मुझे लगा था ये जो है ना, ये जो छोटे छोटे हैं ये ग्रिड है, ये एक्चुअली जोन्स है, बट दीज आर नॉट जोन्स। ये जो कैरी है लंबी लंबी ना, जो ये जिसे कहते हैं स्किनी लॉन्ग रेक्टेंगल टाइप और सम स्फेरिकल टाइप स्ट्रक्चर, हाफ स्फेरिकल एक्चुअली। तो जैसे ट्रेडिशनल मेथड है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के, जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन रिप्रेजेंटेशन है, ये ऐसा नहीं है। ये आपको आपकी लोकेशन दिखाएगा, आपको वर्टिकल पोजीशन के बारे में कोई जानने की जरूरत नहीं है। तो UTM पूरे अर्थ को 60 जोन्स में डिवाइड करता है, हर एक जो है लॉन्गिट्यूड उसका 6 डिग्री है, मतलब एक जो भी 2 लॉन्गिट्यूड लेंगे और एक जोन इसके बीच में होगा तो बाएं हाथ का लैटिट्यूड लाएं और दाएं हाथ के लैटिट्यूड में डिफरेंस होगा 6 डिग्री का। और हर एक जो जोन है, ये देखिए हर एक जो जोन है, ये जो आप देख रहे हैं हर एक जो जोन, उसमें कौन सा आप प्रोजेक्शन यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सेकेंड ट्रांसवर्स मर्केटर प्रोजेक्शन हर एक जोन में, इसीलिए इसका नाम है। तो चलिए एक आधे जोन की बात कर लेते हैं, ये अब जो मैंने जोन बताया उसका ऊपर का पार्ट बता रहा हूँ। ये कुल मिला के इस तरीके से ना, पूरा नीचे भी इसी तरीके से इसको उठा के पलट दीजिए नीचे की तरफ, मतलब एक रिफ्लेक्शन दे दीजिए, नीचे जो दिखाई देगा वो पूरा एक जोन होगा। तो अभी ऊपर की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये WGS84 एलिप्सॉइड है, जोन 28 है शायद, एग्जाम्पल ले लीजिए। तो ये यहाँ से देखिएगा 12 डिग्री है, यहाँ पर 18 डिग्री है, 12 डिग्री 18 डिग्री कितना डिफरेंस हो गया, 6 डिग्री, ये एक जोन का डिफरेंस है, ये मैंने बताया था आपको। ये 00 पोजीशन है क्योंकि ये इक्वेटर और ये सेंट्रल मेरिडियन, ये जो आ रही है इसका इंटरसेक्शन यहाँ पर है। और एक्स क्या बताया था मैंने आपको, एक्स और वाई 00 होने चाहिए क्योंकि ओरिजन है, लेकिन वाई तो 0 है, एक्स 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि ये 5×10^5 है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोई नेगेटिव पोजीशन नहीं आए, नेगेटिव वैल्यू नहीं आए, लेकिन मैं इसको बताऊंगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अब देखिए ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो वाई बढ़ता चला जा रहा है, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो x बढ़ रहा है, इसकी तरफ बढ़ रहे हैं तो x इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पॉइंट, किसी भी लोकेशन का, आराम से कोई भी लोकेशन का
पोजीशन पता कर सकते हैं, और मैं आपको इसको बताऊंगा कि कैसे पोजीशन एग्जैक्ट पता करते हैं, ये भी आगे आने वाला है। तो यूटीएम जोन 80 ऊपर, ये 84 ऊपर और 80 नीचे, मतलब अगर आप पूरी लॉन्गिट्यूड की बात करें तो 84 नॉर्थ तक जाता है, 84 डिग्री नॉर्थ तक, 80 डिग्री साउथ तक जाता है। ये 4 डिग्री थोड़ा ऐड कर लिया गया है ताकि ऊपर का भी भाग कवर हो सके। 60 डिग्री 60 जोन है, 6 डिग्री के मैंने बता दिया आपको। जो जोन पहला है वो 180 डिग्री से शुरू होता था, 180 से 174 174 फिर 174 से और 6 माइनस कर दीजिए मतलब 168 हो गया। ऐसे कम करते करते रहिए, आखिरी में आप 174 से 180 डिग्री पहुंच जाएंगे पूरा घूम के। तो यही होना चाहिए 174 से 180 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री पे ही पहुंच रहा है आपको। अब लैटिट्यूड बैंड्स की बात करते हैं। लैटिट्यूड बैंड्स यूटीएम के पार्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यूटीएम के पार्ट नहीं है ये, क्योंकि एमजीआरएस जो है वो यूटीएम ही प्रोजेक्शन है, यूटीएम पे बेस्ड है। तो मिलिट्री ग्रेड रेफरेंसिंग स्कीम में इनको यूज किया जाता है। तो हर एक जोन जो है इसमें 20 डिग्री लैटिट्यूड ये लेटे हुए होते हैं, ये वाली लाइन है लैटिट्यूड और ये होती है लॉन्गिट्यूड। तो हर एक लैटिट्यूड जो है वो 8 डिग्री हाई होता है। तो एक जो ग्रिड बनता है, जो मैंने आपको बताया था ना, जिसको ग्रिड मत मानिएगा, वो 8x6 डिग्री का बन जाता है। और जो लेटरिंग है, जो लेटर सिस्टम्स है, जो सबसे नीचे है 80 डिग्री साउथ यूटीएम में, उसको सी बोला जाता है, और जो सबसे ऊपर है उसको आप एक्स बोलते हैं। एक्स क्या है? 84 डिग्री। ये देखिए एक्स जो है वो 84 डिग्री है, ये 80 पे खत्म नहीं होता, ये 84 तक जाता है, जबकि सी 80 पे खत्म हो जाता है। आई और ओ हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि ये न्यूमरल आई 1 और 0 से मैच करते हैं। तो ये क्यों सी से शुरू हो रहा है, ये भी कहाँ गया? ये एक्स पे खत्म हो रहा है तो वाई जेड कहाँ गया? ऐसी कोई बात नहीं है, ए बी भी है, वाई जेड भी है। ये आपके वेस्टर्न ईस्टर्न पोजिशन यानी एंटार्क्टिक और आर्कटिक को कवर करते हैं। अब पोजीशन आपको लोकेट करना है यूटीएम कोऑर्डिनेट्स में, कैसे करेंगे? जो पोजीशन है, सबसे पहले आपको यूटीएम का जोन नंबर चाहिए, फिर उसकी ईस्टिंग चाहिए, उसकी नॉर्थिंग चाहिए। ये भी मैं आपको बताऊंगा, ईस्टिंग एक्स डायरेक्शन होता है, नॉर्थिंग वाई डायरेक्शन होता है। तो जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है एक यूटीएम जोन का, मैं जैसे बताया आपको सेंट्रल मेरिडियन जोन की और साथ में इक्वेटर, उसका वो ओरिजिन वो होता है। तो हम उसको अवॉइड करने के लिए कोई नेगेटिव वैल्यू पूरे ऊपर से नीचे तक आ रहा है हर एक जोन को 5×10⁵ मीटर ईस्ट में सेट कर देते हैं जो वैल्यू है एक्स की। तो मान लीजिए किसी भी जोन में कोई पॉइंट है जिसकी ईस्टिंग यानी जो एक्स डायरेक्शन है वो कितना है 4×10⁵। तो इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितना है, क्योंकि अगर मैं इसको 5×10⁵ नहीं लेता और मैं किसी और डायरेक्शन में जा रहा होता तो माइनस वैल्यू आ जाती। अगर इन दोनों का डिफरेंस ले तो कितना आ गया, 100 किलोमीटर आ गया। तो बहुत अच्छे से पता चल गया मुझे कि मैं सेंट्रल मेरिडियन से या फिर उस ओरिजिन से कितना दूर हूँ, 100 किलोमीटर दूर। ठीक, ये इसकी इंपॉर्टेंस है। ये एक मैप निकाला मैंने इंटरनेट से, क्या खास तौर पे इसको दिखाने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे बहुत काम की नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज़ काम की ज़रूर मुझे बिजली। ये तो देखिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में आपको पॉइंट दिया गया है, लेकिन कहाँ, हाँ यूटीएम कहाँ है? यूटीएम ये है 51, 52। ये आपके यूटीएम के नंबर्स हैं। आप देखिए ये 4 है, ये 4×5, ये 4×6, ये आपके 3 है। तो हमेशा जो यूटीएम के नंबर्स आएंगे या फिर जो लोकेशंस आएंगे वो मीटर्स में आएंगे, और जो पहला ईस्टिंग होगा वो 6 नंबर का होगा, नॉर्थिंग जो होगा वो आपका कितने नंबर का होगा, 4 नंबर का, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जो आखिरी जो 3 वैल्यूज हैं वो अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको, वो इसके आगे लगेंगे। देखिए इसके और इसके बीच में जो वैल्यूज हैं, यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज हैं, यहाँ से यहाँ तक जो जितनी भी वैल्यूज हैं उनको प्रिसाइसली लोकेट करेंगे हम 3 यूनिट से, 3 डिजिट से। और यहाँ पर इसके और इसके बीच में जो भी यूनिट है वो भी 3 यूनिट से। तो ये 4 हैं स्टार्टिंग में लगाएंगे और 3 आखिरी में लगाएंगे। ये मैं आपको समझाता हूँ, मैप समझ गए ना आप? अगर मान लीजिए आप किसी ग्रेटिक्यूल पे हैं, ये ग्रेटिक्यूल इस तरीके से लगता है। देखिए ये आपका, ये एक प्लास्टिक का एक बड़ा फ्रेजाइल सा एक, जो यूटीएम यूज करते हैं मैपिंग वाले हैं उनके पास होता है ये, इसको इसके ऊपर रखते हैं, पोजीशन देखते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गया उस वर्टिकल पे। अब देखिए मान लीजिए मैं 357 पे हूँ, ये मेरी क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज माय ईस्टिंग, और ये सारे आप जो 4276 4277 देख रहे हैं ये मेरी नॉर्थिंग है। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ आपको। आप 355 पे चले गए, 367 पे आए, और इसकी जो हर एक ग्रेटिकुल की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर है।
आपको ये पोजीशन पी पता करनी है, तो सबसे क्लोजेस्ट देख लीजिए पी के कौन सा है, कौन सा दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना, ये लाइन क्या है 357। अब 357 से यहाँ तक कितनी दूरी है, यहाँ से इस लाइन से 800, यानी ये पूरी 800 दूरी है। तो आपको क्या लिखना है, इसकी वैल्यू क्या हो गई, थ्री ईस्टिंग क्या हो गई 357, ये तो था यहाँ पे 800 जोड़ दीजिए, 800 ठीक। अब आप ये नॉर्थिंग पे, अच्छा पी के नियरेस्ट कौन सा है आपको, लोड देखना है, ये देखना है, ये नहीं देख लेना कहीं। अब जैसे इसमें है ये, अब 357 देखना है, ये नहीं देखना 358, तो ये 4276 तो ऐसे लिख देंगे। अब 4276 है मतलब इस लाइन से ये कितनी दूरी पे है, पी 750 लिख देंगे, बस आपको एग्जैक्ट पोजिशन मिल गई। इतनी पोजिशन में इतनी बढ़िया वैल्यू कौन से सिस्टम में मिल सकती है, किसी सिस्टम में नहीं मिल सकती, इसे यूटीएम इतना फेमस है क्योंकि जीपीएस में भी ये यूज होता है और आप अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हैं। अगर आपने ये वैल्यू यूटीएम की जो आई है वो अगर आपने बता दी तो आप आराम से कोई भी आपको लोकली देख सकता है कहां पर आप है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप यहां पर हैं, मान लीजिए ये 47 पे, और आपको देखना है मैं कहां पर हूं, तो कितना ये मार्कर रखना पड़ता है इस जगह पे 00 ओरिजिन पे, देखिए यहां से 6 यूनिट हम दूर हैं, तो यहाँ 476 आ जाएगा, ये 476। और अगर यहाँ से देखें हम 74 पे हैं, और कितना दूर है हम यहाँ पे 74 से, इस लाइन से ऊपर इस पॉइंट पे जाना है ना, इस गरे हरे और लाल स्टार पे, दो है तो 474 भी यहाँ है और दो यूनिट ऊपर है। तो इस तरीके से आप प्रिसाइज लोकेशन पता कर सकते हैं। होपफुली आपको आइडिया लग गया होगा कि यूटीएम क्या है और यूटीएम कैसे काम करता है, कैसे लोकेशन करते हैं आप। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपकी।